प्लीज एंड आई वेलकम यू। बच्चों आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास फोर्थ की होगी। मैथ पढ़ रहे होंगे, चैप्टर नंबर 2 करेंगे और उसमें हम एक्सरसाइज बी कर रहे होंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो एक्सरसाइज नंबर बी में हम लोगों ने पहले ही कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, अब उन्हीं क्वेश्चन को हम सॉल्व करके जो क्वेश्चन बचे हुए हैं हम चैप्टर को आगे बढ़ा रहे होंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपके पास ये बुक होगी, बुक को ओपन करेंगे और आएंगे पेज नंबर 28 पर, मुझे ऐसा दिख रहा होगा। तो जब इस एक्सरसाइज बी में हम लोगों ने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, अब हमारे पास केवल क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बच रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बच रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों 6 और 7 को आज मैं एक्सप्लेन करके इसे कंप्लीट करूँगा और आप देखेंगे ध्यान से। ठीक है, तो चलो बच्चों देखो बच्चों, अब मैं आपको एक ग्राफ बना रहा हूँ, आप उस ग्राफ को समझेंगे और समझते जाएंगे क्या हो रहा है उसमें। ठीक है, इसको ध्यान से समझना, अभी मैं समझाता हूँ। 2 डिजिट, देखो बच्चों पहले समझो इस बात को। जैसे मैं कह रहा हूँ कि 10 में कितने डिजिट्स हैं, तो कहोगे सर ये 1 डिजिट या 2 डिजिट, 2 डिजिट नंबर है इसमें। ठीक है, अब मैं कह दूँ 100, कितने डिजिट्स हैं, तो 1, 2, 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ बच्चों 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो आप कहेंगे सर 1 है। 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 1 है। और मैं कह दूँ बिगेस्ट नंबर कौन सा है, तो कहेंगे सर 9 है, क्योंकि 9 के बाद जो 10 आता है ना, 2 डिजिट का हो जाता है। कितने डिजिट का, 2 डिजिट का। ठीक है, तो मैं कहूँ बच्चों 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1, बिगेस्ट नंबर 9। ठीक है, लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर भी कह सकते हैं। मैं कहूँ 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, तो जब बच्चों 9 1 डिजिट का बिगेस्ट है, तो उसमें आप 1 ऐड करते हो तो 10 बनता है, 9 का 10 आता है, जो 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। तो ये बच्चे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 2 डिजिट का 10 हो जाएगा। बात समझेंगे नहीं समझे, ठीक है। और मैं बिगेस्ट नंबर कहूँगा 2 डिजिट का, तो क्या होगा बच्चों, 99 होगा। क्या होगा, 99 होगा कि नहीं होगा, अरे बिल्कुल होगा, बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब 99 में जैसे ही आप 1 ऐड करेंगे ना, तो वो 3 डिजिट बन जाएगा, और 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कितना बनेगा, 100 बन जाएगा। ठीक है, और इसका बिगेस्ट नंबर कितना बनेगा बच्चों, 9, 9 और 9। भाई बच्चे ये नंबर इससे ग्रेटर है, समझ में आ रहा होगा। तो अब बच्चों मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2 डिजिट मैं लिखता हूँ, 2 डिजिट, 2 डिजिट, अरे सॉरी ये 1 डिजिट आएगा यहाँ पे, 1 डिजिट, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 2 डिजिट्स, 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स, 4 डिजिट्स, FOUR, 4 डिजिट्स, 5 डिजिट्स, 6 डिजिट्स। ठीक है, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट का क्या नंबर होगा, 1000। ठीक है, 4 डिजिट का बच्चों स्मॉलेस्ट नंबर कौन होगा, 1000। ठीक है, और 4 डिजिट का बिगेस्ट नंबर, तो बच्चों 4 डिजिट का बिगेस्ट चाहिए, तो 4 बार 9 आएगा, कितनी बार आएगा, 4 बार 9 आ जाएगा। ठीक है, ये बच्चों स्मॉलेस्ट नंबर लिख रहे हैं यहाँ पे, स्मॉलेस्ट, और यहाँ पे लिखे ग्रेटेस्ट। बात समझ में आई आपके, ये स्मॉलेस्ट है ये और ये ग्रेटेस्ट है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 5 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर कौन है बच्चों, 1 लिख करके और 4 जीरो चिपका दो, 1, 2, 3, 4 बच्चों, 1, 2, 3, 4 5 डिजिट्स हो गए, और ये स्मॉलेस्ट नंबर है। अब 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है, तो 5 टाइम्स आप 9 लिख दो, 1, 2, 3, 4, 5 बच्चों, आप ये 9 ऐसे लिखना। ठीक है, अब 6 डिजिट पे आ जाओ, 6 डिजिट का नंबर बच्चों जब लिखना है, तो आप 1 टाइम 1 लिखोगे। ठीक है, और उसके बाद 6 के बाद 5 जीरो लगा दो, 1, 2, 3, 4, 5, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आ जाओ कितना होगा बच्चों, बताना जरा, इसमें आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, जितने नंबर का बिगेस्ट नंबर लिखना है बच्चों, उतना ही आप 9 लिख दो, आपका काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए मोर देन इनफ है। फिर से बात समझ लो कि 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन होगा, 1 होगा,
ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, 9 होगा, ठीक है। अब टू डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बच्चों 1 लगा के 10, ठीक है। अब 9 ग्रेटेस्ट नंबर कौन होगा, 99, जितने डिजिट का होगा उतना उतना लिख दो। बात समझे नहीं समझे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो मुझे समझ में आया कि आपको भी मेरी बात समझ में आ गई होगी, तो आप फटाफट इस बात को नोट कर लीजिए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आपके आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पर, ठीक है। चलो तो आपने इसे नोट कर लिया होगा, चलिए हो गया। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब कि खाली स्थान को भरिए, ठीक है। अब मैं सारे क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर ए है बच्चों, डैश लगा हुआ है, लिखा हुआ है इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी है इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। आपको जो दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर सी है इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। डी है इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई है बच्चों, इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। चलो इसको फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं, ठीक है। अभी आपके मेरी पूरी आवाज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, ओके। चलो क्या लिखा बच्चों, इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट का बिगेस्ट नंबर कौन सा है। तो मैंने अभी बताया बच्चों, अगर आपको किसी भी डिजिट का बिगेस्ट नंबर लिखना हुआ तो उतना ही टाइम आपको 9 लिख देना है, ठीक है। तो कितने डिजिट का कह रहा है, 4 डिजिट का लार्जेस्ट, तो क्या हो जाएगा, 9, 9, 9 और 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट में है इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट लिखना है 2 डिजिट का, तो 2 डिजिट में के नंबर में बच्चों 1 लिखते हैं, बाकी जितने अंक बचते हैं उतने 0 लिख देते हैं, तो 1 डिजिट का 2 डिजिट हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट का लार्जेस्ट लिखना है, तो 3 टाइम्स 9 हो जाएगा, कितना होगा बच्चों, 1, 2 और 3 हो जाएगा, काम खत्म, ओके। नेक्स्ट है इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, ठीक है। स्मॉलेस्ट लिखना है 3 डिजिट का नंबर, ठीक है। तो लिख लो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट लिखना है, तो 1 टाइम 1 आएगा, बाकी टाइम 0, ठीक है, 3 डिजिट नंबर हो गए, कोई दिक्कत नहीं है।
इज द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर लिखना है तो फोर डिजिट का नंबर लिखने के लिए स्मॉलेस्ट क्या करेंगे, वन टाइम वन आएगा और थ्री टाइम्स क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे। हमारा सोल्यूशन हो चुका है, ठीक है। बहुत आसान था बच्चों, कुछ भी नहीं इन क्वेश्चन में, बहुत ईजी हैं, फटाफट आप इन्हें नोट कर लीजिए। चलो बच्चों, चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर सिक्स आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पर। क्वेश्चन नंबर सेवन बच्चों जो है वो अबेकस से रिलेटेड है, अबेकस ड्रा करना है इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं, टू थ्री क्वेश्चन इसमें भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन है बच्चों, लिखा हुआ ड्रा बीड्स to show the number on the abacus, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए है बच्चों और क्वेश्चन नंबर बी है, टू क्वेश्चंस पहले करेंगे फिर बाकी क्वेश्चंस को कर लेंगे। अबेकस क्या होता है बच्चों, साथ साथ जानते रहो, मैंने आपको पढ़ा रखा है कि अबेकस जो होता है वो एक काउंटिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो शुरू शुरू में बच्चे जो है वो काउंटिंग अबेकस सीखते हैं, ठीक है, और आपको समझ में आना चाहिए कैसे काउंटिंग इससे होती है। ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये हंड्रेड्स प्लेस है, ये थाउजेंड्स प्लेस है और ये टेन थाउजेंड्स प्लेस है, ठीक है। इसमें वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव डिजिट हो चुके हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर बी देखना कितना लिखा हुआ है, इसमें सो कितना करना है बच्चों, सो करना है 76309, 76309, ठीक है। इसमें कितना बच्चों, फाइव इसमें भी है, वन टू थ्री फोर और फाइव, ठीक है। थोड़ा बच्चों टेढ़ा वाला बन जा रहा है, समझेंगे, पॉसिबल नहीं है इतना क्लियर बना पाना। ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये हंड्रेड्स प्लेस, ये थाउजेंड प्लेस और ये टेन थाउजेंड प्लेस, ठीक है, टेन थाउजेंड, ठीक है। नंबर है 309000, यही नंबर हमको शो करना है, ठीक है बच्चों। देखते हैं कैसे शो किया जाता है ताकि आपको क्लैरिटी रहे। तो बच्चों जो आपको पता होगा, जो अबेकस होता है वो एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जो शो करता है क्या कि नंबर्स को काउंटिंग कैसे किया जाए। तो बच्चों देखो 70976 नंबर क्या शो करना है, 76309, यही नंबर में शो करना है, ठीक है। तो बच्चों नाइन शो करना ना वंस प्लेस पर, तो नाइन बीट्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे, नाइन बीट्स। चलो बनाते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन बीट्स, ठीक है। तो बच्चों ये नाइन बीट्स है ना, वो नंबर नाइन को शो करें जो वंस प्लेस पर है, ठीक है। जीरो मतलब कि इसमें आप कोई भी बीट शो नहीं करेंगे, कोई भी नंबर इसमें आप नहीं शो करेंगे, ठीक है। थ्री पे आ जाओ तो थ्री में वन टू और हो गया थ्री, थ्री बीट्स आपने शो कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सिक्स पे आ जाओ, सिक्स को शो करना, कैसे शो करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है, सिक्स बीट्स हो गए, ठीक है। सेवन का देखो, वन टू थ्री
फोर फाइव सिक्स सेवन। कोई दिक्कत आई? नहीं आई ना, ठीक है। तो बच्चों आपको मुझे समझ में आ गया होगा, आपने ये 76309 को रिप्रेजेंट करना सीख लिया होगा, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन पे आ जाओ, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें बच्चों क्या शो करना है, 309000 हमें यही शो करना है, ठीक है। तो बच्चों जीरो नंबर को शो करने के लिए हमें कोई भी बिट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप जीरो शो करने लगेगा। यहाँ पर भी बच्चों जीरो है, तो इसमें भी हम कोई भी नंबर शो नहीं करेंगे। नाइन शो करना तो नाइन बिट बना लो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ठीक है। जीरो देखो बच्चों, ये जीरो बीड है, ये क्या है, ये जीरो बीड है, ठीक है। थ्री का क्या होगा, वन टू थ्री, बात समझ में आई नहीं है, ठीक है। क्या हो गया ये 3090 है, कितने बीट्स हो गए बच्चों, ये 3 बीट्स हो गए, ठीक है। तो ये बच्चों ये जो अब एक कितने को शो कर रहा है, 30900 यानी कि 30900 को शो कर रहा है, और ये अब एक 76309 को शो करने लग रहा है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो फटाफट आप इसे नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। हो गया नोट, चले आगे। चलो बच्चों इसे मैं डिलीट करता हूँ और टू क्वेश्चंस इसमें और भी सॉल्व करा देता हूँ, ताकि आपको मेरी बात 100% क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर सी और क्वेश्चन नंबर डी मैं करा देता हूँ, ठीक है। बहुत ही ईजी बच्चों, इसलिए पूरा क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं है, आप भी कुछ करेंगे। क्वेश्चन नंबर सी और क्वेश्चन नंबर डी भी मैं करा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी देख लो, लिखा होगा वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, ठीक है। थोड़ा बीट्स बच्चों इस बार मैं थोड़ा क्लोज बनाऊंगा, ठीक है। ठीक, चलो ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये हंड्रेड प्लेस, ये थाउजेंड प्लेस, ये 10,000 प्लेस और ये लैक्स प्लेस है, ठीक है। सिक्स बीट्स होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर डी है, इसमें बच्चों कितना आना चाहिए, थ्री सिक्स इसमें भी आना चाहिए, वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। तो बच्चों ये भी क्या है, वंस प्लेस, ये टेंथ प्लेस, ये हंड्रेड प्लेस, ये थाउजेंड प्लेस, ये 10,000 प्लेस और ये 10,000 और ये लैक्स प्लेस, ठीक है। बच्चों यहाँ पे शो करना है 4054 450098 को, ठीक है। और यहाँ पर शो करना है बच्चों 130 930 983 को, 983 को। बच्चों इसमें सिक्स डिजिट्स आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हम इन्हें कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए। तो बच्चों यहाँ पे क्या शो करना है, थ्री को शो करना है। तो क्या देखो मैं लिख देता हूँ 1 3 0 9 8 और 3, ठीक है। इसमें शो करना चाहो 4 5 0 0 9 8 यहाँ पर शो करना है, ठीक है। थ्री शो करना हो तो 1 2 और 3, देखो थ्री यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एट को शो करना है 1 2 3 4 5 6
सेवन और हो गया ये एट बीट्स, ठीक है। नाइन को शो करना है बच्चों, तो नाइन को वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और कितना हो गया बच्चों, नाइन हो गया। देखो बहुत छोटे में मैंने कंप्लीट कर दिया। जीरो का मतलब कोई बीट नहीं बनाना है, थ्री बनाना है, तो वन टू और क्या बनेगा, थ्री बीट्स, ठीक है। वन का मतलब वन बीट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो बच्चों कितना अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है, आपको भी अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा मेरी बात पूरी पूरी, ठीक है। एट इस वाले में आ जाओ, देखो कितना शो करना है बच्चों, एट शो करना है ना, एट शो करो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ओके बात समझ में आई। नाइन पे आ जाओ, नाइन पे आ जाओ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन, देखो नाइन बीट बनाने पड़ गए नाइन शो करने लिए। जीरो में कोई बीट्स नहीं, जीरो में कोई बीट नहीं, फाइव में फाइव बीट्स, वन टू थ्री फोर और क्या बनेगा बच्चों, फाइव बन जाएगा। इसमें आ जाओ, वन टू थ्री फोर, ठीक है बच्चों। ये देखो हमारा अबेकस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में बच्चों। तो फटाफट आप इन्हें नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। तो बच्चों आपने ये नोट कर लिया होगा, मिलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में, फिर नेक्स्ट क्लास में हम और भी चीज़ों को सीख रहे होंगे, और भी चीज़ों के बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप अपना ख्याल रखिए और ऐसी चीज़ों को पढ़ते जाइए, सीखते जाइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।